7.8 तीव्रता के भूकंप से कांप उठा तुर्की। 1400 से ज्यादा लोगों की मौत, 5000 से ज्यादा लोग जख्मी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया, बोले 140 करोड़ देशवासियों की संवेदना तुर्की के साथ। एनडीआरएफ और मेडिकल टीम भेजने का फैसला। तुर्की के साथ सीरिया भी भूकंप से थर्राया, 800 से ज्यादा लोगों की मौत, 1000 से ज्यादा लोग जख्मी। भूकंप से दर्जनों इमारतें तबाह, लोगों को मलबे से निकालने का काम लगातार जारी। अदानी मामले पर संसद में विपक्ष का संग्राम जारी। प्रहलाद जोशी बोले, कांग्रेस नेता संसद से ज्यादा विदेशों में छुट्टियां मनाना पसंद करते हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, बोले अदानी मामले पर दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। कर्नाटक के तुमकुरु में एशिया के सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बनकर तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को किया समर्पित। मंच से कांग्रेस पर बोला हमला, कहा यह वही एचएएल है जिसका नाम लेकर लोगों को उकसाया गया। जम्मू कश्मीर में बुलडोजर एक्शन पर बौखलाई महबूबा मुफ्ती, कहा अतिक्रमण के नाम पर लोगों से छीनी जा रही है जमीन। इसराइल का दिया उदाहरण, बोली जैसा इसराइल फिलिस्तीन के साथ करता है ठीक वैसा ही घाटी में कर रही है बीजेपी। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर की तुलना अफगानिस्तान से कर डाली। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बस में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने पर कार्रवाई हो गई है। यूपी पुलिस ने छात्रों पर एफआईआर दर्ज की है। बस में बी फार्मा और डी फार्मा के छात्रों ने ये की थी नारेबाजी। वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान भी चुकी है। और दिल्ली को आज भी नहीं मिल पाया मेयर। हंगामे के बाद सदन की तीसरी बैठक भी स्थगित। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया। 6 जनवरी और 24 जनवरी को भी हंगामे की वजह से टल गया था मेयर का चुनाव। दिल्ली के रोहिणी इलाके में टला बड़ा हादसा। डीटीसी की चलती बस में अचानक आग लगने से मचा हड़कंप। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। कंगाली और आतंक ने न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।